जय हिंद दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को फिर से बताएंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 2.2। और दोस्तों, जो स्टूडेंट मैथ्स में बिल्कुल कमजोर हैं, जिनको मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल आप लोगों को घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप मैथ्स में बिल्कुल कमजोर हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए। हर एक चैप्टर आपको इतनी आसान तरीके से बताएंगे, इस तरह से समझाएंगे कि आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो भी कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हैं, एक बार वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए, फिर देखिए कि मैथ्स को कैसे आप लोग धो देते हैं। तो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 2.2 को बनाएंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। और ये बुक जो है एनसीईआरटी का बुक है, और सभी बोर्ड के लिए ये जो है बहुत ही जरूरी है। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हैं तो आपको ये सभी चीज पढ़ना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 2.2 को श्री गणेश करेंगे, और इसमें जो भी छोटी छोटी चीजें हैं, हर एक कॉन्सेप्ट, सारा चीज आपको क्लियर करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट भी हैं, वो भी इस वीडियो को देखने के बाद हर एक क्वेश्चन को समझ जाएंगे। अगर अभी तक आप लोगों को मैथ समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को देख लीजिए, ये क्वेश्चन जितना भी है ये आप लोग तुरंत बना लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, इसमें दो क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले बोला गया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या बोला गया है? शून्य, ठीक है। तो शून्य किसे कहा जाता है? और उसके बाद बोला गया है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के सत्यता की जांच कीजिए, यानी कि शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को हमको क्या करना है? जांच करना है, ठीक है। तो चलिए, इसको बहुत ही आसान तरीके से हम आपको कॉपी पर समझाने का प्रयास करते हैं। तो आइए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है प्रश्नावली 2.2 क्लास 10th मैथ्स का, और ये बहुपद चैप्टर का है, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुपद चैप्टर से है, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, बोला गया है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, शून्य किसको बोला जाता है? शून्य जब कभी भी बोले तो आप लोग को समझना है कि हमको एक्स का मान जो है निकालने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, शून्य का मतलब ही होता है एक्स का मान, ठीक ना। अब एक्स का मान आपको कैसे निकालना है? तो गुणनखंड विधि से, ठीक ना। कैसे निकालना है? गुणनखंड। और दोस्तों, आप सभी को बता दें, जिनको गुणनखंड नहीं आता है वे सभी स्टूडेंट कॉमेंट जरूर कीजिएगा। वैसे तो हम यहां पर आपको बताएंगे ही, लेकिन अगर अलग से आप लोग सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, एकदम पूरे आसान शॉर्ट ट्रिक के साथ हम समझाएंगे गुणनखंड निकालना, ठीक है। तो पहले तो यहां बोला गया है शून्य, तो शून्य का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, शून्य का मतलब क्या होता है? एक्स का मान, ठीक है। और उसके बाद हमको बोला गया है जांच करने के लिए शून्य और गुणांकों के बीच के संबंध में, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है देखिएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ, इसका क्या क्या करना है? तो पहले इसका शून्यक निकालना है, उसके बाद संबंध हमको जांच करना है, ठीक ना। तो देखिए, पहले ये शून्यक कैसे निकलेगा, तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर लगा हुआ है, ठीक ना। देखिए, यहां पर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस आठ, तो हमको यहां से शून्यक निकालना है। देखिए, एक्स स्क्वायर के पीछे में कुछ नहीं है, तो आपको एक मान के चलना है, ठीक ना। उसके बाद देखिए, यहां पर जो गुणनखंड निकलता है, उसको गुणनखंड निकालने के लिए आपको करना क्या होगा? पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपस में गुना करना होगा। तो पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपस में गुना करेंगे तो आठ को एक से गुना करने पर आठ आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसी तरह से बनता है। उसके बाद आपको क्या करना होगा? इसका जो है एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम आपको निकालना है। अब एलसीएम जो है इस तरह से निकालना है कि हमको बीच वाला संख्या निकल जाए। तो बीच में कितना निकालना है? माइनस में 2x, ठीक है। तो x को अभी छोड़ दीजिए, केवल हम 2 की बात करते हैं। तो हमको केवल यहां पर निकालना है क्या? माइनस में 2। तो इसमें पहले भाग लगाइए, ठीक है। तो 2 से लगाते हैं, 2 चौका 8। अब देखिए, यहां पर 2 और 4 आ गया है। यहां पर आपको थोड़ा सोचना होगा आपको। अब यहां पर दो संख्या है, एक संख्या 2 है और एक संख्या 4 है। तो हम क्या करें कि माइनस 2 हो जाए? तो आप बोलिएगा कि इसको माइनस में कर दीजिए 4 और इसको कर दीजिए प्लस में 2। तब तो यहां पर अगर जोड़ेंगे तो माइनस 4 और प्लस 2 कितना आ जाएगा? माइनस में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको केवल थोड़ा समय देना होगा और सोचना होगा। अगर ये दो लाइन कर लेते हैं तो गुणनखंड आपका बन गया, ठीक है। तब देखिए, यहां से आपको क्या करना होगा? नीचे से लिखना होगा हल, ठीक है। हल करके आपको यहां से सॉल्व करना होगा। इस माइनस टू एक्स को हम दो भाग में लिखेंगे, कैसे? ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखिए,
यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस में चार, क्या लिखेंगे माइनस में चार, और एक्स है तो एक्स लगाना है। उसके बाद क्या करना है, प्लस में दो एक्स लिखना है, क्योंकि यहां पर दो है तो एक्स आपको अपने मन से लगाना है, क्योंकि बीच वाला जो पद है इसमें एक्स लगा हुआ है। माइनस आठ इक्वल क्या करना है, जीरो करना है। देखिए यहां पर हम क्या किए हैं, यहां बीच में जो ये संख्या है माइनस दो एक्स, माइनस चार एक्स, प्लस दो एक्स, अभी इसको सॉल्व करिएगा तो फिर भी आपको माइनस दो ही आएगा, ठीक है। बस यहां पर हम इसको क्या किए, एक स्टेप आगे बढ़ा दिए, ठीक ना। फिर देखिए आपको क्या करना होगा, अब दो दो का पेयर बनाना है, यानी जोड़ा लगाना है और कॉमन लेना है, तो इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, तो हम क्या करते हैं यहां से एक्स कॉमन लेते हैं, तो इसमें हो जाएगा एक्स माइनस चार, ठीक है। फिर आगे यहां पर क्या हो जाएगा, दो और आठ में कॉमन क्या आएगा, दो कॉमन आएगा, तो यहां पर हो जाएगा एक्स माइनस दो चौका आठ बराबर जीरो, ठीक है, इस तरह से कर लेना है। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड बनाते समय ये दोनों संख्या हमेशा बराबर आना चाहिए, यानी सेम आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है तो आपका गुणनखंड गलत है, ठीक है। अगर आ गया तो समझिए आपका गुणनखंड सही है। तो अब यहां से क्या करना है, दोनों क्या है समान है, तो इसमें से एक बाहर निकालना है, तो आपको क्या करना है एक्स माइनस चार बाहर निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद x प्लस टू है तो यहां पर लिख लीजिए x प्लस टू इक्वल जीरो, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए क्या करना है, दोनों के बराबर में जीरो है तो हम क्या करते हैं अलग अलग जीरो लगाते हैं, तो x माइनस चार बराबर जीरो, इधर हो जाएगा x प्लस टू बराबर जीरो, ठीक है। अब यहां से x का मान निकालेंगे तो कितना निकलेगा, माइनस का चार बराबर के उस साइड प्लस का चार आएगा, और यहां से x का मान निकालेंगे तो प्लस का दो इधर माइनस का दो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो x का मान निकला है ये हमारा पहला हो जाएगा अल्फा और दूसरा हो जाएगा बीटा, ठीक है, इतना समझ गए। तो आपका गुणनखंड यहां तक निकल गया, इसमें कहीं पर भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर इसके बाद भी आप लोगों को प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, इस तरह से बताएंगे आपको वहां पर, चूंकि क्लियर करेंगे गुणनखंड तो वहां पर एक एक चीज आपको हम बता देंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे ही गुणनखंड निकल गया उसके बाद आपको क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। तो नीचे क्या करना है, लिखना है जांच करने पर, जांच करने पर, ठीक है, जांच करने पर। अब जांच करने पर आपको क्या लिखना है, देखिए यहां पर जो लिखा गया है बहुपद उसको पहले लिख लीजिए, तो यहां पर बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस का दो एक्स माइनस आठ। अब देखिए यहां पर तीन पद है, एक एक्स स्क्वायर में है, एक दो एक्स है, एक माइनस आठ है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के पीछे कुछ नहीं तो एक, एक्स के पीछे क्या है दो, और यहां पर कितना है आठ है। तो यहां से अगर हम ए बी सी का मान निकालें तो ए बराबर जो होता है वो एक्स स्क्वायर के जो पीछे में होता है, या इसको कह लीजिए गुणांक, ठीक है, तो ये एक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बी का मान क्या होगा, जो एक्स का गुणांक होता है, एक्स के गुणांक में कितना है माइनस दो, और सी का मान कितना हो जाएगा, जो यहां पर अचर है यानी माइनस आठ, तो माइनस आठ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे से अब लिखना है नीचे से शून्यकों का योगफल, ठीक है, याद रखना है, ये जांच करने के लिए आपको इतना लिखना ही होगा, तो नीचे से लिखना है इसीलिए शून्यकों का, इसीलिए शून्यकों का योगफल या शून्यकों का योग। अब शून्यकों का योग क्या होता है दोस्तों, तो ये हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई ए होता है। ये एक फॉर्मूला है हमारा किसका, शून्यकों का योग का, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, अल्फा का मान भी मालूम है, बीटा का मान भी मालूम है, ठीक ना। तो अब देखिए अल्फा कितना है, तो अल्फा यहां से निकालेंगे हमारा निकल गया है चार, तो यहां पर लिख देंगे चार, ठीक है। फिर बीटा कितना है माइनस दो, तो माइनस दो, प्लस माइनस माइनस होता है बराबर माइनस। बी का मान कितना है, तो बी का मान पहले से ही माइनस में है, ठीक है, बट ए का मान कितना है, तो एक, क्लियर है। अब उसके देखिए चार में से दो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, दो बराबर माइनस माइनस प्लस, तो दो बट्टा एक क्या हो जाएगा, दो आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बराबर आ गया, यानी कि एल एच एस और आर एच एस दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। अब देखिए एक स्टेप आपको और करना होगा, अब देखिए शून्यकों का योग निकाल लिए हैं, तो इसके बाद आपको निकालना होगा पुनः, लिखना है पुनः शून्यकों का, शून्यकों का गुणनफल, क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल, और ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आपके बुक में भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, यहां से अल्फा का मान कितना है, तो ये निकल गया है चार, गुने बीटा का मान कितना है, तो माइनस दो, ठीक है, ऊपर दिया गया है। सी, सी का मान कितना है, तो माइनस आठ, और ए का मान कितना है, एक,
ठीक है। तो अब आपको नीचे से क्या करना है, 4 को माइनस 2 से गुना करिएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, और माइनस 8 बटे 8 कितना हो जाएगा, माइनस 8 हो जाएगा। तो इस तरह से LHS और RHS अगर बराबर आ रहा है तो यही हमारा होता है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को जांच करना या सत्यता की जांच करना, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन का पहला जो हमारा था ये इस तरह से आप लोगों को बनाना है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में, और जैसे ही आप एक क्वेश्चन समझ गए तो इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चन के साथ यही काम करना है, क्लियर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 4s² - 4s + 1, ठीक है। अब इसको हम बनाते हैं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ भी उसी तरह से सेम काम करना है। सबसे पहले इसको क्या करना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना होगा, गुणनखंड निकालना होगा। तो हम बताएं गुणनखंड कैसे निकलता है, तो पहली संख्या गुने तीसरी संख्या, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या को गुना करेंगे तो 4 और 1 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 का क्या कीजिए, एलसीएम निकालिए, तो 2 × 2 = 4। ध्यान रखना है ये भी यहां पर कि आपको बीच वाला संख्या पुराना है, यानी कितना, -4। तो अब दो संख्या है आपके पास, 2 और यहां पर 2, अब क्या करें कि -4 हो जाए, आपको यहां अपने मन से करना होगा। तो इसमें भी माइनस लगा देते हैं, इसमें भी माइनस लगा देते हैं, तो -2 - 2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे से लिखते हैं हल, ठीक है। हल करने के बाद क्या करना होगा, यहां पर लिखा गया 4s² - 4s + 1 = 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे 4s², इस 4s को माइनस जो 4 है इसको दो भाग में हम ब्रेक करेंगे, तो माइनस में 2s होगा, फिर माइनस में 2s होगा, ठीक है, प्लस में 1 = 0 हो जाएगा, ठीक है। अब दो दो में क्या करना है, पेयर करना है और कॉमन लेना है। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी s है, इसमें भी s है, तो यहां पर हम 2s कॉमन लेंगे, तो यहां से हो जाएगा 2s, ठीक है, माइनस में 1। यहां पर क्या करेंगे, माइनस में, अब देखिए चूंकि यहां पर कहीं पर कॉमन नहीं है, तो जब कॉमन नहीं हो तो आप एक कॉमन ले सकते हैं, तो एक कॉमन लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2s। और चूंकि यहां पर माइनस जो है ब्रैकेट के बाहर है, तो यहां का जो अंदर वाला चिन्ह है ये बदलेगा। देखिए यहां पर -2s था तो प्लस का हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है, = 0। अब देखिए दोनों यहां पर बराबर आ गया है, पहले भी हम आपको बताए थे अगर बराबर आ रहा है तो समझिए आपका गुणनखंड सही है, ठीक है। अब देखिए दोनों में से क्या करना है, एक बाहर निकालना है, तो 2s - 1, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, यहां पर भी 2s है और -1 है, = 0 कर लीजिए। अब दोनों के बराबर में 0 है तो अलग अलग करना होगा, तो 2s - 1 = 0, यहां पर भी हो जाएगा 2s - 1 = 0, ठीक है। अब देखिए यहां से 2s बराबर निकालें तो माइनस का 1 बराबर के उस साइड प्लस का 1 होगा, यहां से 2s बराबर निकालें तो माइनस का 1 बराबर के उस साइड प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से s का मान अगर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 1, और ये गुना में है तो यहां से भाग में आ जाएगा, ठीक ना। यहां से भी वही होगा, s = 1/2। अब हम आपको बताए थे इसको मानना होगा अल्फा, इसको मानना है बीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जांच करना है, तो सेम प्रोसेस करना है जिस तरह से हम यहां पर किए हैं, तो नीचे से लिखना है जांच करने पर, ठीक है, जांच करने पर, ठीक है। तो जांच करने पर क्या हो जाएगा, तो आपको जांच करने पर सबसे पहले तो यहां पर लिखना होगा, आपको क्या लिखना होगा, तो जो बहुपद दिया गया है, तो 4s² - 4s + 1, तो ये हमारा क्या हो गया, a हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं यहां पर a बराबर कितना होगा, जो s² का गुणांक है, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। b का मान कितना हो जाएगा, तो -4, और c बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। अब हमको क्या करना है, नीचे से लिखना है शून्यकों का योग, लिखेंगे इसीलिए शून्यकों का योग, ठीक है। तो शून्यकों का योग क्या होता है दोस्तों, तो हम आपको बताए हैं ये होता है हमारा α + β = -B/A, ठीक है, ये होता है। अब देखिए अल्फा का मान आपको मालूम है कितना है, 1/2, प्लस बीटा का मान भी 1/2 बराबर, माइनस में बी का मान कितना है, माइनस में 4, और डिवाइड करना है कितना, ए का मान कितना है, तो ए का मान है 4, ठीक है। अब देखिए यहां से जब एलसीएम लीजिएगा तो ये आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से देखिए 4 को 4 काट लीजिए, माइनस माइनस प्लस, यहां से 1 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से देखिए दोनों बराबर आ गया। फिर आपको क्या करना है, नीचे एक बार और जांच करना है, अब निकालना है गुणनफल, ठीक है। तो लिखना है पुनः शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल कैसे निकलेगा, तो आपको निकालना है α × β, α × β बराबर क्या होता है, ये होता है c/a होता है, ठीक है।
फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन भी बनेगा और एग्जाम में क्वेश्चन भी इस पर आधारित बहुत सारा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी। तो अल्फा का मान कितना है, एक वट्टा दो गुना, बीटा का मान भी एक वट्टा दो, सी का मान कितना है, तो सी का मान आप देख रहे हैं कि माइनस में चार है, तो माइनस में चार, ए का मान कितना है, चार है, ठीक है, ए का मान कितना है, चार है, सॉरी यहां पर देख लीजिए सी का मान एक है, एक लिखना है, यहां पर मिस्टेक हो गया, एक, और ए का मान कितना है, तो यहां पर चार है। अब एक को एक से गुना करेंगे तो एक दो दूनी चार बराबर एक वट्टा चार, देखिए यहां से भी दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। तो जैसे ही बराबर आ जाता है तो यही हमारा क्या होता है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। एक बार आप लोग खुद से ईमानदारी पूर्वक घर पर खुद से बना लीजिएगा तो देखिए कैसे ये क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीन की ओर, ठीक है, दो कंप्लीट हो गया, अब देखना है तीन नंबर क्वेश्चन, तो चलिए उसको भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन है दोस्तों, यहाँ पर 6x² - 3 - 7x, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि ये जो अरेंज किया गया है ये उल्टा दिया गया है, इसको पहले व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। इसको व्यवस्थित कैसे करना है, तो यहाँ पर लिखना है 6x², ठीक है, उसके बाद ये एक्स वाले को पहले लिखना है, तो -7x - 3 = 0, ठीक है। अब आपको क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो बताएं गुणनखंड कैसे निकलता है, पहली संख्या गुने तीसरी संख्या, यानी पहली को तीसरी से गुना करना है, तो 36 का कितना हो जाएगा, 18। अब 18 को क्या करना है, एलसीएम निकालना है इस तरह से कि बीच वाला संख्या पुर जाए। तो बीच में बीच वाला संख्या कितना है, -7। तो अब इसमें क्या कीजिए, आप भाग लगाइए 2 * 18। देखिए ऐसा नहीं कि यहां पर 3 से भी लगेगा, लेकिन आपको रुकना है, क्यों रुकना है, हमको बीच वाला संख्या पर ध्यान देना है कि बीच में कितना हमको निकालना है, तो -7, ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए एक संख्या है 2, एक संख्या है 9, क्या करें कि माइनस में 7 आ जाए, तो आप बोलिएगा इसको माइनस में कर दीजिए, इसको प्लस में कर दीजिए, -9 में +2 ऐड करेंगे तो -7 होगा, बस क्वेश्चन इतना ही समझना है आपको। तो यहां से आपको क्या करना है, यहां पर हल लिख लेना है आपको, ठीक है, हल यहां से लिखिएगा। उसके बाद क्या करना है, फिर से 6x², ये 7x को क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे -9x जो यहां पर निकाले हैं, +2x, ये आपको ऑटोमेटिक यहां पर -7x हो जाएगा, ठीक है, -3 = 0 हो गया। अब क्या करना है, 2 2 का पेयर करना है और कॉमन लेना है। तो देखिए यहां पर 3 का गुणज है, 3 का गुणज 6 भी होता है, 3 का गुणज 9 भी होता है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो यहां पर हम 3x कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहां 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x ले ही लिए है, तो 1x बाहर आ जाएगा, -3 * 9। अब आपको यहां पर क्या करना है, तो यहां पर देखिए दोनों में कॉमन नहीं है, तो हम आपको बताए थे कितना लेना है, 1 लेना है, ठीक है, तो 2x - 3 = 0। अब देखिए यहां पर दोनों क्या है, बराबर है, तो दोनों बराबर है, तो इसमें से 1 बाहर निकालना है, तो 2x - 3, और 1 निकालना है, 3x + 1 = 0, ठीक है। अब दोनों के बराबर में 0 है, तो आपको अलग अलग 0 करना होगा, तो यहां से हो जाएगा 2x - 3 = 0, ठीक है, और यहां से हो जाएगा 3x + 1 = 0, ठीक है। अब देखिए यहां से अगर 2x का मान निकालें तो -3 बराबर के उस साइड हो जाएगा +3, और x का मान निकालें तो 3 और ये गुना में है, ये भाग में आ जाएगा, ये निकल गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर निकालना है 3x बराबर +1 - 1 हो जाएगा बराबर के उस साइड, तो x का मान यहां से क्या हो जाएगा, -1/3। अब हम आपको यहां पर बताए थे कि पहला जो x का मान निकालता है ये अल्फा होता है, दूसरा जो निकालते हैं ये क्या होता है, बीटा होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां से जांच करना है, ठीक है, तो आइए इसको हम जांच करते हैं। अब देखिए यहां पर जांच करने पर हम लिख दिए हैं जो आपका बहुपद था वो भी लिख दिए हैं, तो यहां से पहले हमको a का मान निकालना है, तो a का मान कितना होगा, जो x² का गुणांक है 6, b का मान हो जाएगा जो x का गुणांक है -7, और c का मान हो जाएगा जो यहां पर कॉन्स्टेंट दिया गया है वो, तो यहां पर हो जाएगा -3, ठीक है। अब देखिए ए बी सी का मान निकल गया, तो अब आपको क्या करना है, लिखना है इसीलिए शून्यकों का योग, पहले निकालना है शून्यकों का योग, उसके बाद गुणनफल, तो शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, तो ये होता है हमारा α + β = -b/a, यही होता है। अब देखिए यहां से क्या करना है, अल्फा का मान आपको हम बताए थे कितना निकला है, 3/2, ठीक है, तो यहां हो जाएगा 3/2 प्लस बीटा का मान कितना है, तो -1/3, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, b का मान, तो माइनस, और b का मान कितना है, -7, a का मान कितना है, 6। अब देखिए यहां से सॉल्व करेंगे इसको, तो 3/2 प्लस माइनस क्या होता है, -1/3 = -+ यानी कि 7/6 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए यहां से एलसीएम निकालेंगे तो 3 3 9 और यहां से 2 1 2 तो 9 में से 2 घटाएंगे कितना 7, ठीक है, और बट्टे कितना हो जाएगा 3 2 6 बराबर 7/6, तो ये भी बराबर आ गया। ठीक है, तो पहला हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर क्या निकालना है, तो शून्यकों का गुणनफल, तो यहां से लिखना है शून्यकों का गुणनफल। तो अब आपके सामने आ गया है, आपको लिखना है पुनः शून्यकों का गुणनफल। ये क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ठीक है, तो अल्फा आपको मालूम था कितना है 3/2 इंटू बीटा कितना है तो माइनस में 1/3 बराबर सी का मान कितना है तो -3, ए का मान कितना है 6। ठीक है, अब देखिए यहां 3 से 3 काट लीजिए तो यहां हो जाएगा माइनस में 1/2 बराबर, यहां से काट लीजिए 3 2 6 माइनस में 1/2, तो अब यहां पर दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया यहां से। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, यहां से लिखना है हल। हल करके देखिए क्या लिखा हुआ है, 4u² + 8u = 0। ठीक है, अब देखिए यहां पर दो ही पद दिया गया है तो आपको यहां पर क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो दो पद वाला गुणनखंड कैसे निकलता है, देखिए दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 का गुणज है, तो पहले तो 4 हो जाएगा और दोनों में क्या है कॉमन, u है, तो 4u कॉमन ले लीजिए तो यहां पर हो जाएगा u + 4 * 8 = 0। ठीक है, अब देखिए दोनों के बराबर में 0 है तो हम लिखेंगे 4u = 0। ठीक है, और उसके बाद u + 2 = 0 u + 2 = 0। ठीक है, तो अब यहां से अगर हम u का मान निकालें तो 0/4 क्या हो जाएगा 0, और यहां से u का मान निकालें तो +2 - 2, ये हमारा हो गया अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जांच करने पर लिखना है, तो यहां से लिखिए जांच करने पर तो जांच करने पर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर जांच करने पर आपको वही लिखना है, पहले जो बहुपद है उसको लिख लीजिए, तो ये दिया गया है 4u² + 8u = 0। तो एक का मान क्या हो जाएगा 4, बी का मान क्या हो जाएगा 8, और सी का मान नहीं मालूम है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको क्या करना है, नीचे से लिखना है, इसीलिए शून्यकों का योग, इसीलिए शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी बाय ए। ठीक है, अब अल्फा आपको मालूम है कितना है 0, प्लस बीटा कितना है माइनस में 2 बराबर माइनस, और बी का मान कितना है 8 और ए का मान कितना है 4, तो 0 में -2 को जब ऐड करेंगे तो -2, यहां से काट लीजिए 4 2 8 यानी कि -2, यहां से बराबर आ गया। ठीक है, अब आपको एक ठो और निकालना है शून्यकों का गुणनफल, तो आइए उसको भी लिखते हैं। तो अब आपको यहां से फिर से निकालना है शून्यकों का गुणनफल, और आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो ये हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ठीक है, यही होता है। तो अब देखिए यहां से अल्फा आपको मालूम था 0 गुना बीटा, आप यहां पर निकाले हैं कितना निकला है माइनस में 2 बराबर सी का मान कितना था 0, ए का मान कितना था तो वो था हमारा 4। ठीक है, अब 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो क्या आ जाता है, तो हमारा 0 आ जाता है। ठीक है, बराबर 0/4 क्या आ जाएगा 0 आ गया। तो समझिए क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से आप लोगों को बना लेना है, और इसी तरह से बनेगा ही बनेगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन को समझते होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिया गया है कि t²-15। ठीक है, तो अब आपको यहां से क्या करना है, लिखना है हल। ठीक है, यहां से लिखना है t²-15 = 0। तो यहां से अगर हम t² निकाले तो माइनस का 15 इधर, प्लस का 15, हमको चाहिए t का मान, तो स्क्वायर को जब हम हटाते हैं तो बराबर के उस साइड हमारा रूट चला जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा प्लस माइनस में। ठीक है, यहां हो जाएगा 15। कहने का मतलब यह है कि t का मान एक बार प्लस में √15 है, एक बार माइनस में है, तो चलिए लिख ही देते हैं, एक बार प्लस में √15 और एक बार t का मान हो जाएगा माइनस में √15। ठीक है, तो जैसे ही निकल गया तो ये हमारा क्या हो गया अल्फा, और ये हो गया हमारा बीटा। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, दो चीज निकालना है, योग और गुणनफल। ठीक है, तो योग कैसे निकालेंगे, तो उसी तरह से आपको जांच करना है, तो पहले तो यहां लिख देना है जांच करने पर। ठीक है, जांच करने पर, तो जांच करने पर क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी बाय ए। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा शून्यकों का योग, तो अल्फा कितना है तो √15, माइनस बीटा कितना है √15,
बराबर माइनस बी, तो बी का मान यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो बी का मान जो होगा वो हो जाएगा कितना, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर टी स्क्वायर के बाद अगला हमारा पद नहीं है, तो वो हमारा हो जाएगा जीरो। और ए का मान कितना होगा, जो टी का गुणांक है, यानी कि टी का स्क्वायर का गुणांक है कुछ नहीं तो एक। अब देखिए यहाँ पे रूट पंद्रह में से रूट पंद्रह को माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा, और जीरो बट्टा जीरो होता है, ठीक है, हो गया। चलिए अब आपको क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो अब निकालना है आपको अल्फा इंटू बीटा, जो कि क्या होता है, सी बाय ए। अल्फा का मान कितना था, रूट पंद्रह गुने बीटा का मान माइनस रूट पंद्रह। सी का मान, तो सी का मान ध्यान दीजिएगा, सी का मान हमारा ये हो जाएगा, यहां पर हम लिख देते हैं ए बराबर आपका हो जाएगा एक, बी बराबर नहीं मालूम जीरो, सी बराबर माइनस में पंद्रह, ठीक है। आप लोग यहां से लिख लीजिएगा सी का मान क्या है, माइनस में पंद्रह है, ठीक है। अब देखिए आपको नीचे से लिखना है, सी का मान हो गया माइनस में पंद्रह और ए का मान क्या हो जाएगा, तो एक। अब देखिए रूट पंद्रह को रूट पंद्रह से गुना करते हैं तो क्या होता है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी भी रूट को रूट से गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, ठीक है, और ये माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा पंद्रह, यहां पर माइनस पंद्रह बट्टा एक माइनस पंद्रह, तो इस तरह से बन गया। एलसीएस और आरसीएस दोनों बराबर आ गया, तो यही हमारा क्या होता है, जांच करना होता है, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर सिक्स। यहां पर दिया है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, ठीक है। तो अब देखिए ये कैसे बनेगा, तो ये भी उसी तरह से बनाना है। तो सबसे पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे, तो पहली संख्या गुने तीसरी संख्या, ठीक है, तो चार को तीन से गुना करेंगे बारह। अब यहां से क्या करना है, तीन चौका बारह लगाइए, ध्यान रखिएगा हमको निकालना कितना है, माइनस में एक्स है, एक्स के पीछे नहीं कुछ तो एक, यानी माइनस एक। तो क्या करें, तो यहां पर क्या करना है, चार को माइनस कर देना है, तीन को प्लस कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, माइनस में एक आ जाएगा। चलिए यहां पर लिख देते हैं हल, हल करने के बाद आपको लिखना होगा यहां से थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स और प्लस में थ्री एक्स माइनस फोर इक्वल जीरो, ठीक है, इस तरह से लिख देना है। दोनों में कॉमन लेना है, तो यहां पर एक्स कॉमन है तो एक्स कॉमन लीजिए थ्री एक्स माइनस चार, इसमें प्लस कुछ नहीं कॉमन है तो एक लीजिए थ्री एक्स माइनस चार इक्वल जीरो। अब दोनों यहां पर बराबर है, समान है, तो एक बाहर कीजिए, उसके बाद यहां से एक्स प्लस एक बाहर कीजिए, ये एक्स है ये प्लस वाला एक है, बराबर जीरो। अब दोनों के बराबर में जीरो है तो अलग अलग लगाइए, यहां से लगाना है, तो यहां से थ्री एक्स बराबर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस का चार प्लस का चार, एक्स बराबर चार बट्टे तीन। यहां से निकालेंगे तो x प्लस एक बराबर जीरो, तो x बराबर प्लस का एक माइनस का एक, ये निकल गया। ये हमारा अल्फा होता है, ये हमारा बीटा होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जांच करना है, तो जांच करने से पहले आपको क्या करना है, यहां पर लिखना है, ठीक है, जांच करने पर, ठीक है, जांच करने पर। अब पहले जो वहां बहुपद दिया गया है उसको लिख लीजिए, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर इक्वल जीरो। ए का मान कितना होगा, तीन। बी का मान एक्स का गुणांक नहीं कुछ तो माइनस एक, और सी का मान माइनस चार, ठीक है। अब आपको करना क्या है, यहां से निकालना है शून्य का योग और गुणनफल, तो आइए इसको बनाते हैं। चलिए तो सबसे पहले यहां पर जांच करेंगे, लिखेंगे इसीलिए शून्यकों का योग, आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी वाई ए। तो अल्फा हम यहां पर निकाले हैं, कितना निकला है, चार बट्टा तीन, ठीक है। बीटा कितना निकला है, तो ये निकला है माइनस में एक, ठीक है, बराबर माइनस। और बी का मान देखिएगा, तो बी का मान कितना निकाले थे, तो ये निकला है माइनस में एक, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक, और ए का मान कितना है, तीन है। अब देखिए यहां से एलसीएम लीजिएगा, तो चार एकम चार, तीन एकम तीन, तो चार में से तीन माइनस करिएगा तो एक बट्टे तीन बराबर एक बट्टे तीन, ये दोनों बराबर आ गया, ठीक है। फिर लिखना है पुनः शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो ये हमारा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए, ठीक है। तो अल्फा आपको मालूम है कितना है, चार बट्टा तीन गुना। बीटा कितना है, तो ये हमारा है माइनस में एक। सी कितना है, तो सी यहां पर हम आपको निकाले हैं, तो सी निकला है कितना, माइनस में चार, और ए कितना है, तो ये है तीन, ठीक है। अब देखिए गुना करेंगे चार को माइनस एक से, तो माइनस चार बट्टा तीन, और यहां से भी माइनस चार बट्टा तीन, अब दोनों बराबर आ गया, तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों प्रश्नावली 2.2 का पहला जो क्वेश्चन था, इसमें 6 क्वेश्चन था, ये 6 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिया। उम्मीद करते हैं कि ये 6 क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी आप लोगों को समझ में नहीं आता है, कहीं पर भी परेशानी है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को सही ढंग से समझा दे, ठीक ना। तो अब देखिए दोस्तों, इसका जो क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर दो वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ये हमारा पार्ट वन हो जाएगा, वो हमारा पार्ट टू हो जाएगा, ठीक ना। तो जो स्टूडेंट नए हैं चैनल पर, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।